आपने आज के कई बयान सुने हैं, आपने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन उस जगह पर नहीं आप राम लला की जो मूर्ति है उसको प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। देखिए अखिलेश जी, चार युगों में हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी रहे हैं, और आज जो बयान आया है, चाहे वो दिग्विजय सिंह का बयान हो और चाहे शिवसेना के नेता का बयान हो, ये दोनों का बयान ये बताता है कि ये पहले से राम मंदिर के निर्माण में विघ्न डालते रहे हैं और आगे भी डालते रहेंगे। इस नाते इनका बहाना है कि हम मंदिर बाद में आएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे, हम हिंदू हैं। ये विघ्न डालने वाले वही हैं जो कभी कालांतर में राक्षस की भूमिका में थे, आज कलयुग में ये राक्षस के रूप में, मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। और ये राक्षस कह रहे हैं भैया आप लोगों को, आप ही के तो साथी है ना ये लोग जो बयान दे रहे हैं इस तरीके के। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसको एक इवेंट के जरिए देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है, मैं इससे पूछना चाहता हूं राक्षस प्रवृत्ति का कौन है? आखिर कौन राम के नाम पे देश में वोट मांग रहा है? भगवान श्री राम का व्यापार कौन कर रहा है बताइए? ये मूर्ति वाली बात कहां से आ गई कि वहां नहीं रख रहे हैं, 3-4 किलोमीटर दूर बना रहे हैं, सब थ्योरी कहां से आ रही? नहीं, इसको रिसर्च करने का विषय है। संजय राउत जी को भी आना चाहिए, दिग्विजय सिंह को। मैं सच के साथ खड़ा हूं, भगवान राम के आदर्शों को मानने के लिए मैं तैयार हूं। 4 किलोमीटर का अगर जो ये डिस्टेंस, सुनिए सुनिए सुनिए, हम मानने नहीं कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, राम सेतु को नकार चुके हैं, राम जन्मभूमि को नकार चुके हैं, मिथ्या बता चुके हैं। राम जन्मभूमि का ताला राजीव गांधी ने खुलवाने का काम किया था। अगर राजीव गांधी यार राम मंदिर का ताला नहीं खुलवाते तो प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाने नहीं आते। मंदिर क्यों नहीं बना रहे थे? ये अपनी सरकारों में रहते हुए राम जन्मभूमि का रास्ता क्यों नहीं प्रशस्त किए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्यों नहीं पैर? इस विवाद पे आता हूं, मैं आता हूं आपके पास, इस विवाद पे आता हूं। कर्पात्री महाराज जी, सच्चाई क्या है? क्या गलत जगह पर निर्माण हो रहा है मंदिर का, जहां होना था वहां नहीं हो रहा है? अखिलेश जी पिता की बात नहीं माने, राहुल जी माता की बात नहीं माने, तो बात पिता नहीं मां नहीं देवा, और साधुन संग करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी, तिन कहूं तुम राक्षस ये प्राणी। ये राक्षस वैसे हो गए हैं, अखिलेश बाप की बात नहीं माने और राहुल माँ की बात नहीं माने, तो मात पिता माने ही नहीं देवा, और साधु गोली चलावे तो सेवा करावे, तो मात पिता माने ही नहीं देवा, साधु शंकर वहां वही सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी ते सब समझो ये राक्षस प्राणी है। ये राक्षस से थोड़ा होता है कि दो सिंह पूछ कर राक्षस होता है। क्या अफवाह फैलाई जा रही है कि मूर्ति जहाँ रखी जा रही है सब है भूमि गोपाल की, इनकी भूमि यहाँ कहा है? हमारे लिखा है कि पूरे विश्व में सभी भूमि गोपाल की, जहाँ जहाँ भूमि है और सभी भूमि हमारे गोपाल की है, हम जहाँ चाहे तहाँ रहें, जहाँ चाहे ना रहें, इनका है फर्जी, ये सब फर्जी वाले नक्शा वाले आ गए हैं राम के ऊपर, राम के ऊपर ये फर्जी नक्शा लिए घूम रहे भाई, फर्जी फर्जी नक्शा, फर्जी नक्शा। देखिए बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा बहुत सरल शब्दों में, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने चंपत राय जी को बधाई दी है इस आयोजन के लिए और अपनी शुभकामनाएं दी हैं, और ये हमारा मत नहीं है कि जो प्राण प्रतिष्ठा जिस जगह पे हो रही है वो दूर है। हम उस बयान से सहमत नहीं है संजय राउत जी के और दिग्विजय सिंह के, कि जो उन्होंने कहा है कि 4 किलोमीटर दूर है समाजवादी पार्टी। उस बयान विजय सिंह कहां से सब शिगुफा छोड़ते रहते हैं भाई? महाराज जी को मैं बताना चाहता हूं, कृपा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तय। दिग्विजय सिंह के लिए कह रहे हैं, देखिए मैं कहता हूं, मैं महाराज जी अभी कह रहे हैं कि राक्षस प्रवृत्ति के ये लोग हैं। अरे भाई राक्षस प्रवृत्ति के कौन लोग हैं जो इस काल में अमृत काल में भक्षक का रूप स्वयं भगवान श्री राम को अपने आप को कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम को ला रहे हैं? क्या इन लोगों में ताकत है? महाराज जी आप धर्म गुरु हैं आप ये, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं, ये मुझे नहीं पता था। धर्म गुरुओं को काम है धर्म का ज्ञान देना, लेकिन आज राम राम इज नॉट गॉट इन द सेंस ऑफ इंडिया, बता दो यू कैन से राम इज राष्ट्र, माम इज मंगल, राष्ट्र राष्ट्र मंगल इज नॉन एज राम। प्लीज प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिस्टेक्ट टू मी,
प्लीज प्लीज लिस्टन टू मी, रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। राम जो है राष्ट्र के नायक हैं, राम देश के नायक हैं। राम का विरोध करने वालों की आंखें निकलवा देनी चाहिए। जो राम का विरोध कर रहे हैं उसको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बहुत आक्रोशित हो गया, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा। देवेशाचार्य जी, मूर्ति वाला जो विवाद है उस पर क्या कह रहे हैं आप? क्या जहां पर बात की गई थी मूर्ति रखने की, वहां नहीं रखी जा रही रामलला की मूर्ति? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं हमको लगता है उनको ना समझ रहे हैं, क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। हमारे यहाँ की परंपरा है, कोई भी पूजा होता है डायरेक्ट हम घर में, या जैसे गृह प्रवेश होता है हम डायरेक्ट घर में नहीं प्रवेश कर जाते हैं। उससे पहले हमारे यहाँ की परंपरा है, हम सरयू स्नान करते हैं, दस विध स्नान करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। उसके बाद जब हम मंडप पे जहाँ हमारा घर होता है या मंदिर होता है वहाँ जाते हैं, उसके बाहर पंचांग पूजन होता है, फिर उसके बाद हम मंडप में प्रवेश करते हैं। यानी मंडप यज्ञशाला हो गया, घर हो गया, मंदिर हो गया, कोई भी। तो अभी उस क्रम में हम चल रहे हैं। मंदिर में जहां लड़ाई चल रही थी, जहां हम जीते हैं, रामलला वहीं स्थापित होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।